उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ द्वारा आयोजित हिंदी भाषा कला तथा संस्कृति के विकास में महिलाओं की भूमिका को लेकर 25 जुलाई 2021 स्थान मथुरा वैश्य सभागार पश्चिम आगरा पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सुश्री दीदी भागवती साजनानी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती किरण सुरेश बरियानी ने की। कार्यक्रम संयोजक हेमंत भोजवानी, सदस्य उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी ने किया। अच्छा कार्यक्रम सभी बहनों को जोड़ने का और सभी सिंधी समाज को जोड़ने का, अगर इतना प्रयास हमारे भाइयों की तरफ से हुआ जो पूरा संगठन कर रहा है और साथ मिलकर ये बहनें जो साथ दे रही हैं, अगर सिंधी समाज के लिए इतना प्रयास आगे तक होता रहा तो मेरे ख्याल से आगरा में सिंधी विषय जो कॉलेजों में चल रहा है वो बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। ये वास्तव में महसूस हो रहा है। पहले भी यूपी में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे आगरा के ही हैं और अब भी जो हमारी माताएं हैं जिनको आज यही बात कही जाएगी कि भले ही आप कितने भी पढ़ाई कर गए, सिंधी विषय में अलग से आप फिर पेपर दीजिए और आगे खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी बढ़ाइए। यही मेरी आकांक्षा है कि हमारे जीते जी सिंधी इतनी डेवलप्ड हो कि जिसको देखकर ये तमन्ना पूरी हो जाए कि हमारे सिंधी भी बहुत आगे है। भाषा कला व संस्कृति पर महिलाओं की भूमिका का आयोजन कार्यक्रम किया गया है मथुरा सभागार में, और इस कार्यक्रम में विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से हमारी समाज की बहनें यहाँ आई हैं। वो प्रेरित कर रही हैं अपने उद्बोधन के माध्यम से कि हम सब लोग अपने परिवार में बच्चों से सिंधी में बात करें और जो हमारी सिंधी संस्कृति हमारी सभ्यता है उसको न भुलाएं। इस प्रकार का सब बहनों का या मंचस्थ जितने भी अच्छे अच्छे वक्ता हैं उनको यही प्रेरित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के अलावा भारतीय सिंधु सभा जो यही काम कर रही है कि हमारी भाषा कहीं विलुप्त तो न हो जाए, तो उसको लेकर के हम लोग जागरूक हैं। ऐसे आयोजन हम लोग करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, तो निश्चित रूप से ये अच्छा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी जो हमारे निदेशक हैं श्रीमान कल्लू प्रसाद द्विवेदी जी और उपाध्यक्ष हमारे नानक चंद लखमानी जी हैं, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी का मैं सदस्य हूँ और हमारे अकादमी के अध्यक्ष सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको भी भाषा विभाग की ओर से वो सभी को कहते हैं कि अपने अपनी भाषा को जीवित रखें, विलुप्त ना हो जाए, तो इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं।
मैं कुसुम लता बाकरू स्वामी लीला शहादत सिंधी इंटर कॉलेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्य हूँ। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी द्वारा आयोजित एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिंधी भाषा कला और संस्कृति के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, उसी के बारे में आज चर्चा की जा रही है और समाज में महिलाओं की इन विभिन्न क्षेत्रों में क्या सहयोग रहा है और किस प्रकार भाषा की उन्नति के लिए कार्य कर रही हैं, यह आज गोष्ठी के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। भारतीय सिंधु सभा की तरफ से आज ये प्रोग्राम आयोजित है, महिलाओं के योगदान, भारतीय सिंधी संस्कृति और कला में महिलाओं के क्या योगदान रहे। तो जब तक अगर महिलाएं एक समाज को बनाने के लिए, सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की होती है, तो हम जितनी भी सिंधी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आज हम सब ने एक प्रण लिया है कि अब हम घर पे जब भी अपने बच्चों से बात करेंगे सिंधी में करेंगे, जिससे हमारी भाषा आगे से आगे बढ़ती है।